कामलता चरित्र आधारित पुस्तक सत्व, लेखक परम पूज्य न्याय विशारद आचार्य देव, श्रीमद विजय भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा। जीव को स्वयं अकार्य करना हो, स्वबचाव की कोई तमन्ना ही ना हो, तो उसे कौन बचा सकता है? कर्म सत्ता ने भी तत्काल दंड प्रदान करने का हिसाब नहीं रखा, अन्यथा जीव उस दंड से घबराकर अकार्य का त्याग कर सकता है। कर्म सत्ता का हिसाब तो विपाक होने पर दंड प्रदान करने का है। ज्यादातर दंड तो परभव में ही मिलता है, तो फिर कौन अकार्य करने से डरेगा? कर्म सत्ता का दंड भले ही बाद में मिले, किंतु कर्म सत्ता के दंड को अनदेखा ना करें। अनदेखा करने वाले अनेकों ने दंड प्राप्त किए हैं, यह ज्ञानियों के वचन से ज्ञात होता है। वर्तमान में अनेक निर्दोष जीव भयंकर पीड़ा का वहन क्यों करते हैं? भेड़ बकरियां आदि निर्दोष होने के बावजूद कतल खाने में क्यों कट रहे हैं? कीड़े मकोड़े जैसे छोटे जीव बेगुनाह होकर भी क्यों कुचलकर मारे जाते हैं? मच्छर जैसे जीवों को डीडीटी जैसे पदार्थों से मारने वाले क्या सोचते भी हैं कि इन जीवों का कोई गुनाह नहीं? फिर भी उन्हें क्यों इस प्रकार मरना पड़ता है? जब वह जीव के पूर्वकृत पापों के आधार पर यहां कर्म सत्ता का दंड भुगत रहे हैं, तो मैं भी क्यों अन्य जीवों को मार डालने का भयावह कृत्य करूं, जिसके द्वारा मुझे भी परभव में कर्म सत्ता का दंड भुगतना पड़े? यह विचार नहीं है तभी तो खुश मिजाजी बनकर डीडीटी आदि जंतुनाशक पदार्थों का उपयोग करके वह अनगिनत निर्दोष जीवों को समाप्त कर देता है। जैन धर्म पाकर भी ऐसी क्रूरता की जा सकती है, वह भी क्षणिक सुख की खातिर? जीव सृष्टि यही समझा रही है, यहां वह निर्दोष होने के बावजूद पूर्वकृत पापों की वजह से यहां वह भयावह दुख की सजा भुगत रही है। बिना गुनाह के सजा तो होती नहीं, अतः गुनाह वृत्ति का त्याग करो। तत्काल सजा नहीं मिल रही, वह मत देखो। किए हुए गुनाहों की सजा भविष्य में भी अवश्य मिलेगी ही, यह देखो। करी सके ना कोई तारा गुणों ना सरवाला, युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा।